A gas is taken through the cycle A to B to C to A as shown in the figure. A से गए B, B से C, C से वापस A. What is the net work done by the gas? तो net work done हम लोग area of the graph मानते हैं, तो हम लोग बस भाई इसका area निकाल लेंगे चुपचाप. और area of triangle करना है इसमें, तो half work done बराबर area बराबर half बेस यानी ए सी इंटू हाइट यानी बी सी. अब ए सी को क्या लेंगे हम लोग, दिस इज सेवन, मतलब इसको यार सिक्स और एट के बीच में, तो हम इसको सेवन मानेंगे. सेवन माइनस टू क्या हो जाएगा, फाइव. लेकिन याद रखिएगा फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री मीटर क्यूब होगा यहाँ पे, ये नहीं भूलना है, ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. फिर बी सी, BC को क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे देख आपने ये 5 कैसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस थी 7 माइनस 2 5 आ गया था. अब ये जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, 6 माइनस 2 4 हो जाएगी. तो अब यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है. तो अब ये होना चाहिए 2, तो 2 5s are 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 5 3 8 1 9, तो ये तो आ गया 10 टू द पावर 9 पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ठीक है. और हम लोग के जो ऑप्शंस हैं वो सारे हैं जूल में. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो मीटर क्यूब है अगर आप उसे शायद सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे तब ये सब कुछ सही हो जाएगा. चलिए करके देखते हैं. 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, ठीक है. तब अब सारा काम हो जाएगा आपका. तो आपका यहाँ पे साथ में 10 टू द पावर माइनस 6 चलता रहेगा, सो देन इट विल बिकम 10 टू द पावर 3. अब ये मीटर क्यूब हो गया, पास्कल इंटू मीटर क्यूब होता है जूल, तो ये आ जाएगा 1000 जूल. अब प्लस माइनस का टंटा यहाँ पे नहीं है, और वैसे भी ये प्लस होगा क्योंकि ये कैसा है, क्लॉकवाइज है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जब यहाँ डायग्राम में 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो, ये करेक्शन है यहाँ पे.